नाम लाली पटेल, ग्राम देवरी, तहसील गाटावारा, जिला नरसिंहपुर। मैंने लगभग 5-6 मॉडल के ट्रैक्टर चलाए हैं अपने आय चर के। 380 चलाया है पहले, फिर 485, 5660 और ये 548। तो सभी तरह के काम करता हूँ इसमें। इसमें मैं लेदर लेबलर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, डोलूटारा, ब्लेड और ये अपना स्ट्रॉ रीपर, ये सब ट्रैक्टर मैंने खेती किसानी के हिसाब से लिए और मतलब गांव के पर्पस को देखकर, जैसे रोटावेटर चलाना है किसी के यहाँ कुछ, तो इसका मेन पर्पस भी है ये, मतलब कमाने के हिसाब से जैसी ज़रूरत पड़ी वैसा। तो पहले मैंने 5660 पे चलाया था स्ट्रॉलिंग पर, मतलब 2 साल, फिर उसके बाद 548 पे आ गया हूँ। 548 की परफॉर्मेंस भी अच्छी है अपने स्ट्रॉलिंग पर में। लाल जी, जैसे आपने बताया कि जो है आयशा का 548 चला रहे हैं पिछले एक साल से स्ट्रॉ रीपर पे, तो 548 पे जो स्ट्रॉ रीपर का जो आपका अनुभव है वो कैसा है? अनुभव बहुत अच्छा है, जैसा 5660 चलता था वैसा 548 चलता और बेटर चलता उससे। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से जो 548 की परफॉर्मेंस है वो अच्छी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो इस पे जैसे आप चलाते हैं स्ट्रॉ रीपर एप्लीकेशन चलाते हैं, तो चलाते समय ट्रैक्टर पे किसी प्रकार का लोड ऐसा कोई सा कुछ है? नहीं, लोड लेने का तो कोई चांस ही नहीं उसमें। अच्छा, मतलब लोड नहीं आता? हाँ। है। अच्छा, इसके अलावा यदि मैं ट्रैक्टर की ताकत की बात करूं तो ताकत अच्छी है। हाँ। ये अपना ट्रॉली, एक ट्रॉली कितने समय में भरता है? एवरेज टाइम लगभग 20-25 मिनट, 20 से 25 मिनट में ट्रॉली भर देता है। अच्छा, मैं यदि डीजल खपत की बात करूं, जैसे एक आयशा ट्रैक्टर चलता है और सामने किसी दूसरी कंपनी का ट्रैक्टर चलता है, तो डीजल खपत कैसा रहता है दोनों का? डीजल खपत सबसे अच्छी है आयशा, जैसे वो 5 लीटर खा रहा था, ये 4 लीटर खाएगा। आप जनरली एक सीजन में कितनी ट्रॉली भर लेते हैं इससे? 500-600 के समथिंग। 500-600 ट्रॉली भरते हैं? हाँ। और एक दिन में कितनी ट्रॉली हो जाती है इससे? एक दिन में लगभग हो जाती हैं 15 से 18, 20, 25। पहले साल 700-800 टैंक निकाले थे मैंने। 700-800 ट्रॉली निकाली थी पहले साल में। ओके। और आपके ट्रैक्टर पे चलता है तो गांव के जो लोग हैं उनकी क्या कहना रहता है ट्रैक्टर के बारे में? गांव के लोग भी अच्छा बोलते हैं सब, हमारे गांव में बहुत है आई सर। लाल जी भाई, जैसे 548 ट्रैक्टर है, यह जो है एयर कूल टेक्नोलॉजी वाला ट्रैक्टर है जिसमें रेडिएटर नहीं होता है, तो उसमें चलाने का क्या रहता, आपका क्या फीलिंग आती है? सर जी, सबसे बड़ा बेनिफिट तो जो ही है वहाँ में वो एयर कूल्ड है। ओके। मतलब गर्म होवे के चोक होवे के चांस ही नहीं है। किसान भाइयों, क्या सलाह देंगे स्ट्रॉ रीपर और आयशर के बारे में? किसान भाइयों से तो मेरे को वो जो ही है का, एक तो बाको माइलेज अच्छा है जी, ट्रैक्टर ओवर हीट नहीं हुए, सबसे अच्छा चला था, तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा जाए क्यों का आयशर के साथ में जोड़े और आयशर ट्रैक्टर सबसे ज्यादा जो मतलब बेटर रहे मेरे खिलाफ, खेती किसानी के पर्पज से बहुत अच्छा है, धंधे के हिसाब से बहुत अच्छा है।